ओके सो हेलो गाइस, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनेट प्रिंस गेमर। तो आज की इस वाली वीडियो पे जो आरपी सेक्शन में एक नया मतलब आरपी आया था आरपी बनाने के लिए, तो उसे दिखा देता हूँ कौन सा वाला है। तो चैलेंज मिशन में ये देखिए, लैंड ऑन एनी बिल्डिंग इन सैन मार्टिन 3 टाइम्स। तो सैन मार्टिन में 3 बार जंप करना होगा। तो मैं मतलब आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप दूसरे सर्वर पर खेलिए, ताकि अगर आप मर भी गए तो माइनस ना हो। और वेलकम करता हूँ, ये मेरा वेलकम करने का स्टाइल है। सो स्वागत है आप सभी का फिर से। और मैं तो एशिया में ही खेलूँगा, क्योंकि मैं एकदम वीर पलवान नूब हूँ। तो स्टार्ट करते, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हाई के बोल देता है ये बंदा। तो फर्स्ट जंप, तो सैन मार्टिन जो है मिडिल में आता है। देखिए मैंने मार्क लगा दिया और वहाँ पर जंप करना है आपको। तो किसी भी बिल्डिंग में आप जंप कर सकते हैं सैन मार्टिन के। लेकिन बिल्डिंग के छत के ऊपर ही जंप करना होगा। ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है कि अगर आप ये देख सकते हैं, एक मिनट, नीचे की तरफ जो वायर हाउस है ये लंबा वाला, इसमें अगर जंप करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका मिशन कंप्लीट हो जाए। तो मैं वहाँ पर कर नहीं पाया क्योंकि मेरी पैराशूट की वजह से। तो मैं इस तरफ की इस बड़ी बिल्डिंग पे जंप कर गया। तो ये पहला टाइम था। और ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको गेम जीतना है, आप मर भी सकते हैं। तो दूसरी जंप को दिखाता हूँ। आपको बस जंप करना है, गेम जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दिखा रहा है मेरा आरपी 31 है, लेकिन आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो मेरा आरपी तब तक 35 हो चुका होगा। और इस बार तो मैं उसी घर पे जंप करूँगा। और बहुत सारे लोग ये मिशन कंप्लीट करने के लिए आ रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ होता है कि मैं इस बंदे को मारने जाता हूँ। ये बंदे अपने आप को खुद बम से मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैं इसको मारता हूँ और इसका ग्रेनेड मुझे मार देता है। तो तीसरी जंप, और इस बार मेरा जो जंप है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि दूर था काफ़ी। तो मैं दिखा रहा हूँ कि आप भी ऐसा गलती मत करना। अगर दिख रहा है कि सैन मार्टिन बहुत दूर है, तो 1500 मीटर से भी दूर है, तो मत जाइए, क्विट कर दीजिए, फिर से नया गेम लगाइए। और इस बार देख सकते हैं पहुंच ही नहीं पाया सैन मार्टिन, तो दूर की बात है। सैन मार्टिन तो पहुंच ही नहीं पाया, बिल्डिंग तो दूर की बात है। तो मैं यहीं पर उतर जाऊंगा, और बहुत सारे बंदे पहुंच नहीं पाएंगे इस बार। वो देखिए सैन मार्टिन की बिल्डिंग, और मैं इधर ही आके रुक गया। और वो देखे उस तरफ, मतलब डायने साइड में, वो देखे काफ़ी सारे बंदे सैन मार्टिन पहुंच ही नहीं पाया। तो मैं इस गेम को यहीं पर क्विट कर दिया, और फोर्थ जंप में सक्सेसफुल हो गया, मेरा आरपी बढ़ गया। और इस बार सैन मार्टिन काफ़ी पास है। देखिए ये 1300 मीटर है या 1200 मीटर, ठीक है ना? तो अगर 1500 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है तो मत जाइए, ऐसा ही मतलब मैं टिप्स देना चाहूँगा। क्योंकि अगर पहुँच नहीं पाया तो बिल्डिंग नहीं बाहर आ पाएगा। और आप देख सकते कितने सारे, मतलब आधी सर्वर सैन मार्टिन पे ही कूदने की कोशिश। ऐसी कोई बात नहीं कि गेम को जीतना ही होगा। अगर आप लैंड करते हुए भी
लैंड कर गए और किसी ने आपको मार दिया तो भी ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिए मैंने इस वेयर हाउस के ऊपर छलांग मार दी और मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। और मिशन कंप्लीट हुआ कि नहीं आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।